गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी सीजन्स के बारे में स्टडी कर लिया है व्हाट आर सीजन्स सीजन्स दे आर द पीरियड्स ऑफ मंथ वेन द वेदर कंडीशन रिमेन द सेम सीजन क्या होते हैं साल में कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें वेदर सेम रहता है से फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज क्लाउडी तो दो तीन महीने तक क्लाउडी ही रहेगा इफ इट इज विंडी तो दो तीन महीने तक विंडी ही रहेगा तो उस टाइप की कंडीशन को सीजन बोलते हैं एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडिया वी हैव फाइव सीजनस इन इंडिया कौन कौन से होते हैं स्प्रिंग समर मॉनसून ऑटम विंटर बट उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि वेदर क्या होता है सो so, आप लोगों ने क्लास वन में ही पढ़ लिया था दैट यू हैव एयर एवरीवेयर अराउंड यू है ना एंड द कंडीशन ऑफ द एयर इट कीप्स ऑन चेंजिंग समटाइम्स इट इज वेरी हॉट समटाइम्स इट इज वेरी कोल्ड समटाइम्स वी वेयर लाइट क्लोथ्स वेन इट इज हॉट एंड वेन इट इज कोल्ड वी वेयर वॉर्म क्लोथ्स ला हमको अम्बरेला भी यूज करना पड़ता है ऐसा भी होता है कि इन द मॉर्निंग यू हैव अउडी वेदर बहुत तेज बहुत सारे बादल होते हैं सो यू आर नॉट एबल टू सी द सन प्रॉपरली इन द डे टाइम बट समटाइम्स इट हैपन्स कि शाम होते होते वो जो क्लाउड्स जो होते हैं वो अचानक से डिस हो जाते हैं एंड यू आर एबल टू सी द सन क्लियरली मतलब कि दोपहर या शाम में ऐसे सिचुएशन हो सकती है सो वेदर इज समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग वो दिन में भी एक दो बार चेंज हो सकता है या डे टू डे भी चेंज हो सकता है आज अगर क्लाउडी है तो कल विंडी हो सकता है नेक्स्ट डे ऑल ऑफ अ सडन कोल्ड हो सकता है सो वेदर इज समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एयर अराउंड अस ठीक है बट इफ द सेम वेदर रिमेन्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर सम मंथ देन वी हैव सीजन ठीक है एंड डिपेंडिंग अपॉन द सीजन वी आर डूइंग पर्टिकुलर एक्टिविटीज हमारे क्लोथ्स अलग अलग होते हैं देन हमारा लाइफ स्टाइल भी उस टाइम पे चेंज हो जाता है वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन पर्टिकुलर सीजंस तो ये सब आप लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ ही लिया है सी विथ सीजन इज दिस स्प्रिंग सीजन स्प्रिंग सीजन कब आता है विंटर खत्म होने के बाद और समर शुरू होने से पहले अभी ये जो टाइम चल रहा है इट इज स्प्रिंग सीजन हिंदी में उसे क्या कहेंगे बसंत ऋतु वेन यू सी द न्यू लीव दे स्टार्ट डेवलपिंग है ना सारे पत्ते जो झड़ गए होते हैं तो उसके बाद जब नए पत्ते उगने शुरू होते हैं उसे स्प्रिंग सीजन कहते हैं वेरी सुदिंग सीजन इट इज Hmm, कब होता है इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड मार्च कभी कभी अप्रैल तक भी स्टार्टिंग अप्रैल के स्टार्टिंग में भी हो सकता है एंड आपने तो देखा ही होगा कि अभी ग्रेप्स आते हैं लेमन्स आते हैं एंड इट इज द टाइम वेन न्यू लीव्स ग्रो ऑन ट्रीज एंड फ्लावर्स ब्लूम मैंने पहले ही बताया कि न्यू लीव्स प्लांट पे ट्री पे ग्रो करने लगते हैं सो वट काइंड ऑफ कंडीशन इज इट इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड क्योंकि ये विंटर के बाद का सीजन है तो यहाँ पर विंटर के बाद का मतलब कि इतनी ठंडी भी नहीं होती एंड समर से पहले का सीजन है तो इतनी गर्मी भी नहीं होती बहुत सूदिंग एटमोसफियर होता है स्प्रिंग टाइम में एंड वॉट काइंड ऑफ क्लोथ्स वी आर वेयरिंग सी वी वेयर स्वेट शर्ट एंड समटाइम्स लाइट वुलन हम थोड़ी बहुत हमको ठंड लगती है तो हम इतने पतले कपड़े भी नहीं पहनते बट स्वेटर के जैसे मोटे मोटे कपड़े भी नहीं पहनते बट हाँ ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि हमको इस बहुत गर्मी भी नहीं करे और बहुत ठंडी भी नहीं करे देन कम्स द समर सीजन हॉटेस्ट सीजन कब होता है अप्रिल एंड मे में होता है एंड यू नो दर वेरी लॉन्ग बहुत गर्मी होती है सो वी लव टू गो टू दूल ठीक है वॉट काइंड ऑफ क्लोथ वी आर वेरिंग वी आर वेरिंग लाइट कॉटन क्लोथ्स उस टाइम पे वी लव टू ईट द आइसक्रीम्स एंड वी लव टू हैव कोल्ड ड्रिंक्स कौन कौन से फ्रूट्स यहाँ पर होते हैं सी मैंगोज वाटरमेलन लीची जामुन दीज आर ऑल समर फ्रूट्स ठीक है एंड अभी आपने देखा ही होगा कि समर फ्रूट मतलब ऐसे फ्रूट्स हम क्यों खाते हैं बिकॉज दीज फ्रूट्स आर वेरी मच जूसी इस टाइम पे समर सीजन पे हमको बहुत गर्मी होती है पसीना होता है तो मैंगो वाटरमेलन लीची जामुन ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं वो हमको दे आर हैविंग सो मच अमाउंट ऑफ वाटर वो हमको बहुत सारी एनर्जी देते हैं चक्कर भी नहीं आते उन सब से और बहुत सारे लोग तो नींबू पानी भी इस टाइम पे पीते हैं नाउ कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द पिक्चर वॉट काइंड ऑफ सीजन इट इज ये कौन सा सीजन है ये देखो तालाब में ये पेपर बोट्स बना रहे हैं रेन कोट पहना हुआ है यहाँ पर सी वाटर ड्रिजलिंग हो रही है तो ये किस टाइप का सीजन है यस इट इज मॉनसून सीजन मॉनसून में क्या होता है इट इज रेनिंग एंड विथ स्ट्रोंग विंड्स लाइटनिंग भी होती है थंडर भी होता है कब होता है मॉनसून जून टू सितंबर कौन कौन से फ्रूट्स हम खाते हैं मानसून सीजन में गुआवा जामुन एप्पल्स आर आल्सो फाउंड इन अपल एन देन क्या पहनते हैं हम वॉट ऑल थिंग्स वी आर यूजिंग ड्यूरिंग द मानसून सीजन वी यूज रेन कोट वी कैरी अम्ब्रेला एंड वी गो आउट इन द रेन बहुत मजा आता है क्योंकि समर में बहुत जो गर्मी हुई होती है तो मानसून में बारिश में भीगने का मजा ही कुछ और है आप लोगों ने देखा होगा कार पे ऐसे 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 वाइपर्स घूमते रहते हैं देन ऑल ऑफ अ सडन यू विल सी सो मेनी फ्रॉग्स कमिंग आउट ड्यूरिंग द रेनी सीजन तो रेनी सीजन का जो सीन है इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द समर सीजन सी वन मो सीजन विच इज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन जिसको बोले हैं ऑटम ऑटम कम्स बिटवीन मॉनसून एंड विंटर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवेंबर देखो मॉनसून खत्म होने के बाद और विंटर शुरू होने से पहले कौन सा सीजन होता है ऑटम सीजन होता है कहाँ उस टाइम पे क्या होता है द वेदर बिगिन टू गेट कूल अराउंड दिस टाइम ऑल ऑफ अडन ठंडी सा होने, सी होने लगती है इट रेन्स इन सम प्लेस बट इंडिया में कई कई जगह पर ऑटम सीजन में बारिश भी होती है एंड लीव्स ऑफ ट्रीज टर्न गोल्डन ब्राउन आपने देखा होगा कि ऑल ऑफ सडन जो प्ला ट्रीज है उसके जो लीव्स हैं एकदम येल्लो येल्लो हो जाते हैं एंड ए टाइम्स यूमाइटिव सीन के जो लीव्स हैं वो शेड भी हो जाते हैं पत्ते झड़ जाते हैं उसको पतझड़ का मौसम भी कहा जाता है दैट टाइम वी स्टार्ट वेरिंग लाइट वुलन क्लोथ्स थोड़ी थोड़ी सी ठंडी होती है इसलिए हम रेनकोट वगैरह यूज नहीं करते पर उस टाइम पे वी स्टार्ट प्रिपेरिंग आर सेल्फ फॉर द विंटर्स तो इस टाइम पे मीन्स ऑटम सीजन पे वी स्टार्ट वेयरिंग द लाइट वुलन क्लोथ्स स्वेटशर्ट्स एंड लाइट जैकेट पतले पतले आप जैकेट्स भी पहनना पसंद करते हो कोई कोई लोग जो होते हैं पतली पतली शॉल्स भी ले लेते हैं एंड व्हाट कैन यू सी हियर? सी द चिल्ड्रेन आर इंजॉइंग देयर सूप द पेरेंट्स दे आर इंजॉइंग देयर कॉफी या फिर गर्मा गर्म चा एंड दे आर वेयरिंग दैप्स

जो सन होता है वो बहुत देरी से राइज um, करता है सो द आर वेरी शॉर्ट एंड द नाइट्स आर वेरी लॉन्ग है ना इट इज एट टाइम्स इट इज फॉगी आल्सो धुंध सी होती है फॉग हो जाता है एट द टाइम ऑफ विंटर ड्यूरिंग विंटर द वेदर रिमेंस वेरी कोल्ड देन It also snows in hilly area, जो पहाड़ी एरिया है है। पर तो बर्फ भी गिरती डिसम्बर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ उस टाइम पे बहुत ठंड होती है इट रिमेन्स कोल्ड इवन इन फेब्रुआरी तो ये मतलब कि नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होकर फेब्रुआरी मंथ तक विंटर सीजन चलता है वॉट ऑल थिंग्स वी यूज वी यूज द वुलन क्लोथ फिर घर पे भी हम आग जला कर बैठने का हम इंजॉय करते हैं एंड वी लव टू हैव है सूप्स एंड द हॉट बेवरेजेस टी कॉफी पीना हम ज्यादा पसंद करते हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक्स हमको उस टाइम पे हॉट ड्रिंक्स बहुत पसंद होते हैं नाउ लुक एट दिस लास्ट ईयर आप लोगों ने इस टाइप के कुछ वर्कशीट्स आपने किए ही होंगे कि स्प्रिंग सीजन है तो स्प्रिंग सीजन ये रहा समर सीजन तो समर सीजन कहाँ है ये रहा मानसून कहाँ है तो ये रहा ऑटम दिस इज ऑटम विंटर देर इज विंटर दिस इज विंटर सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आई विल बी गिविंग यू इन द वर्कशीट आपको अच्छे से वो करना है और मुझे टाइम पे भेजना है ठीक है यू डोंट हैव टू वेट फॉर माई आंसर की आंसर की देखने के बाद कोई मुझे नहीं भेजेगा क्यों क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितना याद है पिछले साल का सो इट्स बेटर कि मैं आंसर की भेजूँ उससे पहले आप अपनी सारी वर्कशीट्स मुझे कंप्लीट करके भेज दो ओके okay? बाय